अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हेल्प डेस्क की एक नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि क्या जब हम असाइनमेंट लिखते हैं तो उसके फर्स्ट पेज पे हमें क्या क्या लिखना है, क्या हम अपनी आईडी, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या ये चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स पहले से असाइनमेंट्स बना रहे हैं उनको पता है, और जो अभी फर्स्ट टाइम असाइनमेंट बना रहे हैं उनको बताता चलूँ कि ये चीज़ें ज़रूरी नहीं होती। आप अपना सबसे पहले अपना नाम मेंशन कर दें, उसके बाद अपना कोर्स कोड मेंशन करें, फिर सेमेस्टर मेंशन कर दें और फिर अपना प्रोग्राम नेम जो है वो मेंशन कर दें, तो इतना काफ़ी होता है। इसके बाद अगर उसको आप बोल्ड में कर दें और उसका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा कर दें तो वो ज़्यादा प्यारा लगता है। बहुत से स्टूडेंट्स ने उसका बैकग्राउंड चेंज किया होता है या फिर फ्रेम में असाइनमेंट लिखी होती है। आप जितना अच्छा उसको बना सकते हैं उतना अच्छा बना के असाइनमेंट अपलोड करें। जैसा कि आपको पता है कि असाइनमेंट आप वर्कशॉप पोर्टल पे ही अपलोड होगी। वर्कशॉप पोर्टल पे तमाम स्टूडेंट्स के पोर्टल्स पे असाइनमेंट के लिंक अपडेट हो चुके हैं। अब आपने अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करके वर्कशॉप पोर्टल पे ही अपलोड करनी है, कोई अलग से पोर्टल नहीं है। और वर्कशॉप आपने कैसे लिखनी है उसकी इंस्ट्रक्शन या जो भी चीज़ें हैं जहाँ से आप क्वेश्चन पेपर लेंगे वहाँ पे इंस्ट्रक्शन मौजूद होती है कि आपने असाइनमेंट को टाइप करना है या फिर उसको अपने हाथ से लिख के आपने उसको पिक्चर बना लेनी है और इस तरह उसको सेंड करना है। हर प्रोग्राम का, हर सब्जेक्ट का एक अलग अलग तरीका है, इंस्ट्रक्शन में चीज़ें मौजूद होती हैं। अगर फिर भी आपको इन चीज़ों की समझ नहीं आती तो आप अपने टीचर को कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा ये कोर्स कोड है तो क्या हम इसको टाइप करके अपलोड करना है या फिर हम लिख के इसकी पिक्चर बना के इसको अपलोड करें, तो टीचर आपको ज़रूर गाइड करेगा। इंस्ट्रक्शन भी लिखी होती हैं उस पेज पे जहाँ पे आपके क्वेश्चन पेपर होते हैं। आपको तरीका बता दिया है क्वेश्चन पेपर कैसे आपने वेबसाइट से निकालना है। अगर आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक रख दूँगा, आप वहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि हमने अपना क्वेश्चन पेपर असाइनमेंट्स के लिए कहाँ से कलेक्ट करना है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फेसबुक पे इनबॉक्स कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपके क्वेश्चंस के आंसर दूँ। थैंक यू।